सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे जाके आपका गाने का नाम लिखना है, गाने का नाम लिख के आपको सर्च करना है, फिर से आपको सब बहुत सारा लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो लिंक है उसको टैप करना है, उसको जैसे ही टैप करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे कॉल करना है। नीचे कॉल करके आपको गाने प्ले करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस तरह राइट की तरफ थ्री डॉट दिखेगा, उसमें क्लिक करके डाउनलोड पर सिंपली क्लिक कर देना। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे इधर आपको डाउनलोड इमेज आएगा, तो उस पर क्लिक जैसे ही करोगे आपका सॉन्ग डाउनलोड हो जाए होने लग जाएगा। तो देख सकते हो मेरा सॉन्ग डाउनलोड हो जा रहा है। तो सिंपली इधर कुछ नहीं करना, सीधा बैक जाना, फिर जाना आपको प्रिंटर में। प्रिंटर में जाके आपको इस तरह का थोड़ा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो। तो आपको इधर से सिंपली कोई भी एक सा जो बैकग्राउंड है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इधर आपको डाउनलोड इमेज लिखा आएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, फिर आपको सेव बटन में क्लिक कर देना है। सेव बटन में जैसे क्लिक करोगे कोई भी एक ऑप्शन में क्लिक कर दे, जैसे क्लिक करोगे आपका जो बैकग्राउंड है वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तो इधर आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको चला देना है काइन मास्टर पर। काइन मास्टर में जैसे ही जाओगे तो इधर आपको लेफ्ट साइड में देखेगा प्लस वाला आइकन, उस पर क्लिक कर देना है। तो प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको 60:9 जो ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके आपको फिर मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक कर फिर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर इधर से आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना पड़ेगा लेयर पे, लेयर पे जाकर फिर से मीडिया पे। मीडिया पे जाके आपको सिंपली जो बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया था उसको सिंपली क्लिक कर देना, फिर इसे अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा जो है सेट होगा। फिर आपको जाना पड़ेगा ऑडियो पे। ऑडियो पे जाके आपका जो सॉन्ग है जो डाउनलोड किया था उसको सिंपली इधर से आपको ढूंढ लेना है। तो इधर मेरा सॉन्ग कहाँ गया, कहाँ गया, अभी मिल जाना जल्दी से, मिल जाओ। तो मेरा जो सॉन्ग है वो मिल जा रहा है, जल्दी मिल जा। तो हमारा जो सॉन्ग है वो मिल गया, देख सकते हो।
तो हम इस सॉन्ग को सिंपली आप इधर से प्ले करके सुन सकते हो। फिर आपको इधर से सॉन्ग एडिट करने के प्लाजल आइकन में क्लिक कर देना, फिर आपका सॉन्ग एडिट हो जाएगा। फिर आपके सही जो अपने बैकग्राउंड जो आपका बैकग्राउंड है उसको सिंपली बड़ा कर लेना है गाने के हिसाब से। तो इसको बड़ा कर देते हैं हम पूरा, जल्दी जल्दी पूरा कर देते। तो देख सकते हो हमारा जो ये बैकग्राउंड है पूरा एकदम पूरा सेट हो गया। फिर आपको जो थंबनेल है उसको बड़ा कर लेना है, तो बड़ा कर दो जल्दी से, जल्दी हो जाए। तो सिंपली हमारे इधर से एडिट हो गया, तो आप इधर से प्ले करके गाना सुन सकते हो। तो आपको इधर कुछ नहीं करना, फिर आप सेव के ऑप्शन में जाना है, फिर आपके हिसाब से इधर आपका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा आपके पास।